सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये है वीडियो नंबर 2 ऑफ द धंधा सीरीज जो हमने स्टार्ट की है पिछले वीक में। एंड धंधा सीरीज इसलिए हमने स्टार्ट की क्योंकि हम इसमें बता दें कि एक नॉर्मल छोटे से धंधे को आप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कई लोग धंधा कर रहे होते लेकिन उस धंधे को बिजनेस में कन्वर्ट करना हर एक को नहीं आता, राइट। एंड इसमें हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस लेते जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी के यूज से, जिसको हम लोग एक अच्छे बिजनेस मॉडल के यूज से एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ हजार रुपयों से बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं और बहुत सारे करोड़ों में आप खेल सकते हो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखोगे। तो लास्ट वीक हमने फ्रूट जूस, फूड एंड बेवरेजेस के इंडस्ट्री के ऊपर बात की थी कि फ्रूट जूस का बिजनेस आप कैसे बड़ा कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप जाके वो पहला वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में आज कौन से बिजनेस की बात करने वाले उसकी एक थोड़ी सी टिप देता हूं मैं आपको, आप गेस करिए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पहले कौन सा काम करते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले? वो पहले एक चाय की दुकान चलाते थे, एक चाय वाले थे, राइट। तो आज बात करेंगे चाय के बिजनेस के बारे में और चाय का बिजनेस कैसे बड़ा बन सकता है उसके बारे में। काफी लोग बोलेंगे कि यार दुनिया कहां से कहां जा रही है, आप कहां ये चाय और फ्रूट जूस की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनका ही फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। कोविड में काफी सारे बिजनेस उठ गए जमीन से, राइट। काफी सारे बिजनेसेस लॉस में चले गए, बैंकरप्ट हो गए, बंद हो गए। लेकिन फूड एंड बेवरेजेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड के टाइम पे कम तो जरूर हुई लेकिन कोविड के बाद में ऐसे तेजी से बढ़ी है जैसे और कोई भी इंडस्ट्री नहीं बढ़ी है, राइट। क्योंकि खाना पीना हम लोगों के नॉर्मल डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, राइट। आप खाना पीना छोड़ नहीं सकते, आपको बाहर खाना ही, आपको बाहर पीना ही है, राइट। तो फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसके अंदर आज मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूं, वो है चाय के बिजनेस के ऊपर। कैसे आप एक छोटे से चाय के दुकान से एक बहुत बड़ा चाय का बिजनेस बना सकते हो। हमने MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, चायोस, चाय पॉइंट, कितने सारे अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स देखे, राइट। और वो शुरू हमेशा एक दुकान से ही होते हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 5-10 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप एक करोड़ों का बिजनेस बना सकते हो चाय की इंडस्ट्री में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाय का बिजनेस हम इंडियंस के दिल के बहुत करीब है और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है टी के, चाय के, चाइना के पीछे, राइट। एंड ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये चैनल, ये वीडियो है बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में। तो इसके अंदर हम लोग इमोशन से ज्यादा लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स की भी बात करेंगे, राइट। तो स्टैटिस्टिकली मार्केट साइज कितनी है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कैसे बिजनेस बड़ा बन सकता है, डिमांड है कि नहीं है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस क्यों बड़ा बन सकता है और ये बिजनेस आपको क्यों शुरू करना चाहिए अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो इंडिया में करोड़ों चाय वाले, राइट, हर एक गली नुक्कड़ में चाय वाले होते हैं। वो इसलिए क्योंकि डिमांड तो उतनी है, लेकिन यहां पे एक चीज है, लेकिन 90% ऑफ ये चाय वाले ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जैसे कि छोटी टपरी हो गई, छोटी दुकान हो गई, छोटा सा एक होटल हो गया, राइट। चायोस, चाय पॉइंट, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, एक नई भी है चाय वाली जिनका आपने ये फोटो देखा होगा, जो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है लेकिन आज चाय की दुकान चलाती है, खुद की 1.5 लाख रुपए महीना कमा रही है। एंड ये सिर्फ एक आउटलेट से अकेली, राइट। ये अगर आउटलेट्स इंक्रीज करेंगे तो वो इनकम उसी के साथ इंक्रीज होगा। तो ये आजकल बहुत ट्रेंडी हो गया, लेकिन ट्रेंडी के साथ साथ ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप अगर कोई भी टेक स्टार्टअप स्टार्ट करो, अगर लॉस मेकिंग है, इन्वेस्टर के पैसे से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कितने दिन चलेगा। लेकिन आप अगर एक ऐसे छोटे से बिजनेस से अगर आप एक बड़ा बिजनेस बनाओगे जो प्रॉफिटेबल है तो फिर वो आपको जिंदगी भर चलेगा, राइट। एंड यही मोटिव है, एंड यही एक थॉट है ये धंधा सीरीज के पीछे का, कि मैं आपके साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाले प्रॉफिटेबल बिजनेसेस को आप कैसे बड़ा कर सकते हो वो आइडियाज हर वीक आपके साथ डिस्कस करूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि वो है मार्केट साइज और डिमांड। डिमांड है कि नहीं? डिमांड तो है ना, मुझे बताने की जरूरत है ना आपको बताने की जरूरत है, राइट। तो डिमांड तो बहुत है। मैंने आपको बताया कि $15 बिलियन का ये मार्केट, करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का ये मार्केट है इंडिया में। सालाना रेवेन्यू 1 लाख करोड़ है, राइट। एंड इसके अंदर 95% ये मार्केट पूरा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भरा हुआ है। इंडिया में करीबन 1.25 मिलियन टन चाय हमने कंज्यूम की थी 2021 में, एंड ये नंबर 4.2% से 4.2% से हर साल बढ़ रहा है। तो मार्केट अभी भी ग्रोइंग फेज में है। हम सबको लगता है कि चाय की इतनी सारी दुकानें तो चाय का मार्केट तो सैचुरेट हो गया होगा, भर गया होगा काफ़ी सारे प्लेयर से, लेकिन नहीं, ये मार्केट इतना बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो मार्केट आज भी 4% से हर साल बढ़ रहा है, राइट। एंड आप अगर देखोगे तो हम लोग को लगता है कि आजकल का नया ट्रेंड कॉफ़ी है, नहीं, आजकल का नया ट्रेंड चाय है, जिसके वजह से MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार जैसे स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, राइट। और कॉफी तो हमारी है ही नहीं, कॉफी तो बाहर से आई थी, लेकिन जो चाय है वो हमारी पहचान है। आप अगर स्टैटिस्टिकली देखोगे तो इंडिया में चाय और कॉफी कितनी बिकती है आपको पता है, क्या फर्क है?
एक कप कॉफी के पीछे 30 कप चाय बिकती है, राइट। तो जब आदमी एक कप कॉफी पीता है तो वहां पे 30 लोग चाय पी रहे होते, तो 30 टाइम्स बड़ी मार्केट है, 30 टाइम्स ज्यादा डिमांड है, 30 टाइम्स ज्यादा कंजम्पशन है चाय के बिजनेस की, चाय के मार्केट की। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि चाय की कितनी डिमांड है, चाय कितनी बिक सकती है, कितना बड़ा मार्केट है, 1,00,000 करोड़ रुपए का मार्केट है सालाना। लेकिन अब बात करते कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि आपको कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए चाहिए, वो भी इक्विपमेंट्स के लिए, मतलब आपको गैस लगेगा, आपको बर्तन लगेंगे, आपको चाय शक्कर ये सारी चीज़ें तो लगेंगी, लेकिन आपको उसके साथ में लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि रस्ते पे जाके एक टपरी लगा दो, राइट, क्योंकि हमें स्ट्रीट हॉकर नहीं बनना है, हमें रस्ते पे बेचने वाला नहीं बनना है, हमें एक बिजनेस शुरू करना है जो शुरू तो अभी एक छोटे से दुकान से हो रहा है लेकिन वो आगे जाके एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो उसके लिए आपको बिजनेस को रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले सोल प्रोपराइटर के तौर पर बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो, सिर्फ 1,000 रुपए में ऑनलाइन प्रोसेस से सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस रजिस्टर हो जाता है। उसके लिए आप ही का पैन कार्ड और आप ही का बैंक अकाउंट चलेगा, राइट। तो दूसरी चीज है FSSAI का रजिस्ट्रेशन, फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब आपका सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम होगा तब आपको सिर्फ FSSAI का रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, लेकिन जब आपका सालाना टर्नओवर यानी कि एक महीने का टर्नओवर 1,00,000 रुपए से ज्यादा होता है, सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से ज्यादा होता है तब आपको उस फूड एंड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन को लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो दूसरी चीज है FSSAI का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। अब तीसरी चीज आती है शॉप एस्टेब्लिशमेंट, राइट। शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इलीगल दुकान नहीं लगाना है, आपको इलीगल टपरी नहीं लगानी है, राइट। तो ये तीन चीजें हैं कि पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फिर फूड एंड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन, फिर तीसरा शॉप एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस आपके स्टेट के हिसाब से। अब सामान क्या चाहिए वो तो हम सबको पता है कि चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, गैस, चाय पत्ती, पानी, दूध, शक्कर, ये वो, ये तो आप कहीं से भी ले सकते हो, आपके लोकल बाजार से ले सकते हो। ये अगर आप एक चाय कि एक छोटी सी टपरी, छोटी सी दुकान से स्टार्ट करना चाहते हो तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पे समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चाय के बिजनेस में दो तरीके के बिजनेस बना सकते हो, एक जो MBA चाय वाला चाय सुट्टा बार ने बनाया और दूसरा जो चायोस और चाय पॉइंट ने बनाया। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन चार बिजनेस में, राइट। दो इस तरफ है, दो उस तरफ है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब यहां पे दोनों बिजनेस मॉडल के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है, राइट। तो दोनों की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं चायोस की। चायोस चाय पॉइंट जैसे स्टार्टअप्स इन्वेस्टर के पैसे पे बनते हैं और MBA चाय वाला चाय सुट्टा बार ये है डिजिटल इन्फ्लुएंस के ऊपर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के ऊपर बने हुए, राइट। आप उनके फाउंडर को जानते हो, आपने उनके मोटिवेशनल स्टोरी सुने, टॉक सुने, इसलिए वो ब्रांड की फ्रेंचाइजी लोग खरीद रहे, राइट, MBA चाय वाला की। अगर प्रफुल्ल बिल्लोरे है तो ब्रांड है, अगर प्रफुल्ल बिल्लोरे नहीं है तो ब्रांड खत्म, राइट। लेकिन ये बात चायोस और चाय पॉइंट जैसे इन्वेस्टर बेस्ड स्टार्टअप्स में नहीं होती, राइट, क्योंकि इन्वेस्टर बिजनेस मॉडल देख के, प्रोडक्ट इनोवेशन देख के, उसकी फ्यूचर ग्रोथ प्रेडिक्शन देख के पैसा लगाता है, राइट। तो अगर आपको इन्वेस्टर से पैसा लेना है तो फिर आपको उसके अंदर कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग एक बिजनेस मॉडल करना पड़ेगा। जैसे कि चायोस चाय दुकान में तो बेचता है लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन वेबसाइट से आपके घर पे भी बेचता है, राइट। वो चाय के साथ में समोसा भी बेचता है, सैंडविच भी बेचता है, पास्ता भी बेचता है, राइट। तो ये है चायोस चाय पॉइंट का बिजनेस मॉडल, और MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल पूरा अलग है जिसके अंदर फाउंडर के ऊपर टिका हुआ है वो बिजनेस, राइट। उसके अंदर कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है, प्रफुल्ल बिल्लोरे नहीं, या फिर चाय सुट्टा बार के जो फाउंडर है अनुभव दुबे, उन्होंने एक दुकान से शुरू किया, फिर और एक दुकान लगाई, फिर उनके पास फ्रेंचाइजी के लिए इंक्वायरीज आई और फिर उन्होंने वो फ्रेंचाइज देनी शुरू की और उससे उनका बिजनेस बढ़ा, राइट। चायोस और चाय पॉइंट ने क्या किया कि वो पहले ही इतना एक स्ट्रांग यूनिक बिजनेस मॉडल, एक अलग बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर के पास लेके गए, उन्होंने करोड़ों रुपए रेस करे और फिर उन्होंने सारे कंपनी ओन्ड आउटलेट्स खोले, राइट। तो चायोस और चाय पॉइंट के जो सारे आउटलेट्स है, जो सारे कैफेज है, वो सारे कंपनी ओन्ड है, फ्रेंचाइज नहीं दी हुई है, राइट। तो उसमें पैसा खुद कंपनी ने लगाया और कंपनी खुद चलाती है। लेकिन MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, यहां पर लोगों ने फ्रेंचाइज खरीदी है और चला कंपनी रही है, राइट। ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेंचाइज मॉडल कैसे काम करता है। अब फ्रेंचाइज मॉडल में चार तरीके के फ्रेंचाइज होते हैं। पहला है फोफो, फिर फोको, फिर कोको और फिर कोफो, राइट। तो लाइन से देखेंगे तो सबसे पहले फोफो, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। जैसे कि एक आदमी ने फ्रेंचाइजी खरीद ली, मैंने 4,00,000 रुपए दिए और मैंने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीद ली। अब मैंने खरीदी भी मैंने है और चला भी मैं अपने हिसाब से रहा हूं, उसमें MBA चाय वाला का कुछ है नहीं। ये हो गया फोफो। दूसरा है फोको, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन्ड,
कंपनी ऑपरेटेड, जिसके अंदर मैंने 4 लाख रुपए देके मैंने फ्रेंचाइजी खरीद ली, लेकिन वो बिजनेस चला एमबीए चाय वाला रहा है, राइट। तो मैंने सिर्फ फ्रेंचाइजी ली, लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशंस है वो उनकी कंपनी संभाल रही है। अब आते तीसरे के ऊपर, वो है कोको। कोको मतलब कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, कि मेरी कंपनी का ही मैं पैसा लगा के आउटलेट खोल रहा हूँ और उसी आउटलेट को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे कि चाय हाउस और चाय पॉइंट करते हैं, उनका ही पैसा लगाते हैं, कैफे खोलते हैं और वो कैफे वो खुद ही चलाते। और चौथा है कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ये मोस्टली होता नहीं है, राइट, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना आउटलेट खोल के फ्रेंचाइजी को आउटलेट चलाने नहीं देगी, ऑपरेशंस हैंडल करने नहीं देगी, राइट, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो कंपनी के पास होते हैं, राइट। तो इसके अंदर आपको एमबीए चाय वाला चाय सुट्टा बार की तरह बनाना है तो फिर आप फोको मॉडल यूज करोगे, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जिससे फ्रेंचाइजी आपसे खरीदेगा और आप उसका आउटलेट चलाओगे, राइट, कंपनी उसका आउटलेट चलाएगी। और दूसरा है चायोस और चाय पॉइंट की तरह जो है कोको, जिसके अंदर कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, आप पैसा लगा रहे हो, कैफे खोल रहे हो और आप ही चला रहे हो, राइट, आप ही की कंपनी उसके ऑपरेशंस देख रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से तरीके का बिजनेस बनाना है। दोनों के अलग अलग फायदे नुकसान है। चायोस चाय पॉइंट में आपको बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपको कंपनी की थोड़ी इक्विटी, थोड़ी ओनरशिप इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी। एमबीए चाय वाला चाय सुट्टा बार में आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, बहुत सालों तक होगी, लेकिन उसके अंदर आपकी कंपनी पूरी आपके पास ही रहेगी। तो आई होप आपको ये बिजनेस ऑपरेशंस का जो पार्ट है वो पूरा समझ में आएगा। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो अब चलते हैं कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है, बिजनेस को बड़ा कैसे बनाना है, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहली एक चीज़ है, वो है लोकेलिटी, एरिया। आप कौन से एरिया में उस चाय की दुकान को खोल रहे हो। चाय की दुकान उसी जगह पे खुल सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो, गार्डन के बाहर हो सकता है, पार्क के बाहर हो सकता है, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज या फिर कंपनी ऑफिस के बाहर हो सकता है, राइट। तो आप एरिया जब सिलेक्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपके दुकान में कितने लोग आएंगे वो तय करने के लिए, राइट। एंड दूसरी चीज़ है मार्केटिंग। अब कुछ लोग दुकान में आते हैं, कुछ लोगों को आपको दुकान में लाना पड़ता है। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग से आप इतनी जनता बुला सकते हो। एमबीए चाय वाला चाय सुट्टा बार एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आप डिजिटली लोगों को इन्फ्लुएंस करके, एक डिजिटल प्रेजेंस बना के आप कितने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हो, राइट। तो डे वन से आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अकाउंट बनाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपने अकाउंट्स बनाओ, नए नए अनोखे ऑफर्स रखो। जैसे कि एमबीए चाय वाला ने वैलेंटाइंस डे के ऊपर ऑफर रखी थी कि जो भी सिंगल है उसको फ्री में चाय देंगे, राइट। तो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन में लोकेलिटी, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ और वो है पैसा। हर एक बिजनेस का आखिरी पॉइंट आके रुकता है पैसे के ऊपर कि इसमें प्रॉफिट कितना है, इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, इसमें प्राइसिंग क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि चाय का बिजनेस आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि उसमें पानी भी डलता है, राइट, वो प्योर दूध की तो बनती नहीं, तो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो। एक कप चाय की कीमत आप क्या पीते हो, मोस्टली 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, राइट। लेकिन वो चाय का कप बनाने के लिए जो दुकानदार को जो कीमत आती है वो करीबन 3 से 4 रुपए की आती है। आपको मैं एक तरफ डिवीजन, एक तरफ आइडिया दे देता हूँ कि एक चाय के कप में कितना कितना आइटम लगता है और कितना कितना उसका खर्चा आता है, राइट। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये है एक ऑन एन एवरेज एक कप ऑफ चाय का प्राइसिंग, एंड ये आता है 3.5 से 5 रुपए के बीच में। तो वो डिपेंड करता है आपके कप के साइज के ऊपर एंड आप कहाँ से कितने में चीज़ें खरीदते हो उसके ऊपर। लेकिन एक कप जब आप 3.5 से 5 रुपए में बनाते हो तब वो आप बेचते कितने में हो, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में। 10 में भी बेचोगे तो 50% मार्जिन है, 15 में बेचोगे तो 70% मार्जिन है, राइट। तो अगर 15 का बेच रहे हो, 5 का आपका खर्चा है, तो आपको 10 रुपए बच रहे हैं। तो इतना ज़्यादा 70% प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस आपको और कहाँ देखने मिलेगा। तो चाय का बिजनेस एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप करना चाहो तो, राइट। लेकिन इसके अंदर कभी भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वहाँ पे खर्चे में अगर 1-2 रुपए बढ़ जाए तो वो चलेगा, लेकिन आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, ऑटोमेटिकली ज़्यादा बिकेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
मेरे चैनल के ऊपर और बहुत सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स, केस स्टडीज़ के ऊपर भी वीडियोज़ है। अगर आपको टेक बनाना है, ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है, तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये भी देख सकते हो, राइट। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज ऑन टाइम, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।